पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही खून खराबा शुरू हो चुका है। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अदालत को पंचायत चुनाव सेंट्रल फोर्स की निगरानी में कराने का आदेश देना पड़ गया है। अदालत के आदेश के बाद राज्य भर में सेंट्रल फोर्स का पहुंचना शुरू हो चुका है। राजनीतिक दलों की आपसी लड़ाई का शिकार मीडिया वालों को भी होना पड़ रहा है। पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान कई इलाकों में मीडिया वालों पर हमले किए गए, जिसके चलते कोलकाता प्रेस क्लब को भी इन घटनाओं के खिलाफ बयान जारी करना पड़ा। अब पत्रकारों के एक संगठन प्रगतिशील राष्ट्रवादी पत्रकार संघ ने पीड़ित पत्रकारों की मदद के सिलसिले में एक बड़ी घोषणा की है। प्रगतिशील राष्ट्रवादी पत्रकार संघ के सचिव नरेश श्रीवास्तव ने 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान किसी भी तरह के हमले में गंभीर रूप से घायल होने वाले मीडिया कर्मियों को संगठन की तरफ से आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। नरेश श्रीवास्तव ने कहा कि 8 जुलाई को वोटिंग के दौरान ड्यूटी के बीच में जो भी मीडिया कर्मी किसी भी तरह के हमले में गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती होगा, उसे संगठन की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, प्रगतिशील राष्ट्रवादी पत्रकार संघ पीड़ित मीडिया कर्मियों को कानूनी मदद भी प्रदान करेगा। देखिए, पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ होता है डेमोक्रेसी का, और इसको हम लोगों को बचाना है। हम लोगों ने अपने प्रगतिशील राष्ट्रवादी पत्रकार संघ की ओर से एक छोटा सा ऐलान किया है कि वित्तीय फिनेंशियल असिस्टेंस दूंगा। जो लोग 8 तारीख को ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी, जिनके ऊपर अटैक होगा और जो ग्रेव तरीके से इंजर्ड होंगे, उनके लिए हम लोग कुछ फिनेंशियल सपोर्ट करेंगे। ये 2000 रकम हो सकता है या उससे कम बेसी भी हो सकता है। तो आप क्यों कर रहे हैं? कोलकाता प्रेस क्लब इतना बड़ा संस्था है और भी बहुत सारी पुरानी संस्थाएं हैं, आपके मन में विचार क्यों है? देखिए, मेरे मन में इसलिए विचार आया कि हमारी संस्था है जो ट्रूली सोचती है कि भाई पत्रकार किसी तरीके से निर्भीक तरीके से पत्रकारिता करे, और दूसरे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो उनका अपना मसला है। मेरे ख्याल से सारे लोगों को एकजुट होकर के इस मुहिम चलाना चाहिए, ताकि हमारे पत्रकार नहीं मार खाए, और मार खाते हैं तो उनके लिए जैसे लीगल सपोर्ट हो, जो हम लोग लीगल सपोर्ट भी फ्री देंगे। कोई FIR नहीं हो रहा हो, उनको हम FIR करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करवाएंगे, यदि हाई कोर्ट से होगा तो हाई कोर्ट से कराएंगे, लेकिन हम लोग करवाएंगे जरूर। हम लोग अपने पत्रकार को छोड़ नहीं सकते। सरकार से या राज्य चुनाव आयोग को आपने कुछ इस बारे में कुछ कंसल्ट किया है? जी, हम लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अपील किया है चीफ इलेक्शन कमीशन को। उनका रिप्लाई भी आया है कि हम आप लोगों के बात को जरूर से जरूर देखेंगे, और राज्यपाल से भी हम लोग गुहार लगाए हैं कि आप लोग कृपया इनका इलेक्शन कमीशन को बोल करके हो, DG को बोल करके हो, किसी तरीके से हमारे पत्रकारों का सुनिश्चित करें। और अब की बार में मैं आपको और एक बता दूं, पत्रकार का मतलब सिर्फ रिपोर्टर नहीं होता है। जो मीडिया कर्मी जाते हैं कवर करने के लिए, काफ़ी बंगाल में आमो बात है कि कैमरा छीन लिया जाता है, उनको मारा जाता है। कैमरामैन के भी साथ में हम लोग रहेंगे। जो भी मीडिया कर्मी रहेंगे 8 तारीख के दौरान, यदि उन पर हिंसात्मक आक्रमण होगा, तो हम उसको वित्तीय सहायता और कानूनी सहायता मुफ्त कराएंगे। अब जो घायलों को जो जिसको लगेगा उसको देने, किस तरह का चोट लगेगा, जिसको आप पैसे देंगे या फाइनेंशियली जो हेल्प करेंगे? देखिए, जो गंभीर चोट, जिसको लोग बोलते हैं ग्रेव इंजरी, उन लोगों को मैं वित्तीय सहायता करूंगा। जैसे उसका एक मापदंड रखूंगा कि जो 8 तारीख को जो लोग ऑफिशियली ड्यूटी में हैं इलेक्शन में, उनको यदि गंभीर चोटें आती है, एटलीस्ट 1 डे हॉस्पिटल एडमिशन, हॉस्पिटल हो या नर्सिंग होम एडमिशन, 24 घंटा से ज़्यादा जिनका स्टे रहता है, उसको मैं एक मापदंड मानूंगा। आप लोग शांति, पहला जो बात है कि आज लोगों को चेष्टा करना चाहिए कि सारे लोग शांत रहें, और जिस तरीके का, जिस प्रणाली से इलेक्शन कमीशन करवा रहे हैं, उसी प्रणाली को सारे लोगों को फॉलो करना चाहिए कि इलेक्शन हम शांतिपूर्ण रखें,
सभी को अपना मताधिकार करने देवे और किसी को दूसरे जगह से, जैसे लोग करते हैं ना कि आपको घर में थ्रेट होता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर में दबाव सरकार बढ़ाती है, और लोग और इलेक्शन कमीशन जैसे सुनिश्चित करे कि सभी लोग अपना वोट अपने दे पाए। यही एक हम लोगों का एक इलेक्शन कमीशन को सुझाव है कि लोग अपना मताधिकार अपने से करें।